इवन देख सकते हैं मैं बर्तन धो ली हूँ, अब बाकी है रूम की डस्टिंग की, झाड़ू पोछा कर ली थी फटाक से, कपड़ा भी धोना में बहुत काम है। उतना ही दिन में पति देव आ गए और मेरा कॉपी कलम आ गया, देख सकते हैं। आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, मैं बोली थी ना मैं पढ़ाई छोड़ रखी थी, बट कॉपी कलम देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, अभी बता नहीं सकते। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट मेरी लक अच्छी नहीं कि मेरी रिजल्ट ही उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी मैं पढ़ने में। मुझे पढ़ना बहुत 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 पसंद है सी टी, तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया था। बस एक कोर्स है, बस वही कम्प्लीट करना है। चलिए बताया नहीं जाता है कोई भी चीज़ कर किया जाता, बस एक कोर्स है। मैं किसी चीज़ की जॉब वगैरह की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बस कोर्स कंप्लीट करना है। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है मुझे, उसी के लिए ये सब देख सकते हैं। आपको बुक देख के तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए मैं झाड़ पोछा कर लेती हूँ, बातें ना करते हुए बहुत बुक बुक करती हूँ, है ना। मैं गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे भले मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज है डेट 9 तारीख है, तो 9 फरवरी, तो आज है चॉकलेट डे। तो सभी को हैप्पी चॉकलेट डे मेरी तरफ से। तो आज मैं उठी हूँ सुबह सुबह और मैं सोची बहुत दिनों से मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया है। मैं ब्लॉग रुक रुक के लाती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बनाती हूँ कि रिच तो है नहीं ब्लॉग का, तो बनाने से कोई प्रॉफिट भी नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। बट मैं आज इनका छुट्टी था, आज बिकअप था, और ऐसे तो रोज़ जल्दी जल्दी में रहती हूँ काम में, तो मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं प्रॉपर ब्लॉग दिखाऊंगी कि मॉर्निंग से उठ के मैं क्या सब करती हूँ, और मतलब कैसे क्या कौन काम करती हूँ। तो चलिए मैं बने रहिएगा ब्लॉग में, बिल्कुल भी एंड मत कीजिएगा, पूरे लास्ट लास्ट तक ब्लॉग को देखिएगा। ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए मैं काम करती हूँ और आपको भी साथ ही साथ दिखाती हूँ। मैं उठी हूँ मॉर्निंग में, फ्रेश व्रेश भी हो गई हूँ, और फ्रेश होने के बाद मैं क्या की हूँ सो दिखाती हूँ। मैं दाल चढ़ाई हुई हूँ और अभी पतिदेव सोए हुए हैं, ये उठे नहीं है, और उधर दाल चढ़ गया है। और अभी मैं मोटर ऑन कर देती हूँ, कपड़ा रखी हुई है धोने के लिए। चलिए सब कपड़ा को गोतेंगे सर्फ में, सब निकाल लेते हैं सॉक्स सूक्स। अब दाल चढ़ाई हुई, दाल आलू, अभी बनाऊंगी सब्जी रोटी दाल, यही बनाऊंगी। सुबह पराठा बनाने का प्लान था, चलिए बने रहिए। चलिए पानी भर लिए हैं, मैं कैसे कौन से काम करती हूँ सब चीज दिखाऊंगी आप सभी को। धोना है तो उसको पहले अच्छे से पानी में फूलने के लिए छोड़ देंगे और बाकी का काम करेंगे। पूरा भींग गया मेरा हाल में, हम जे भी चेक नहीं किए बाबू आपका। टाइम क्या हो रहा है एलके जी? 40 के। अभी नहीं, जस्ट चढ़ाए हैं, चना का दाल है, खराब नहीं होगा। दाल बना रहे, दाल आलू, आप ना अभी बोले सब्जी रोटी बनाओ। सब्जी रोटी बोले कि आलू की रोटी? पागल हो क्या आप? हमको बोले कि दाल रोटी बना दो, कब बोले? अभी जस्ट बोले सब्जी रोटी, तो हम आलू और दाल चढ़ाए साथ ही है। अभी जस्ट क्या बोल दिए तुमको? नहीं, जहाँ आपसे पूछने आए थे तब पूछ के ही चढ़ाए हैं। तुमको तो हम रात में भी बोले कि आलू पूरी बनेगा। हाँ, आलू पूरी बनता है। अपना मर्जी से खाली बनाना है, झूठ मूठ के हमारा नाम बताए अपने। अच्छा ठीक है, देखते हैं।
ए जीजा जी कॉल कर रहे बुआ उठाओ, आपके फोन पे नहीं किए हैं क्या? अब मेरे फोन का फोन साइलेंट मूड में है शायद, वो फोन उठाओ ना आप। अच्छा ठीक है, हम फिर से आलू चढ़ा के बना देंगे सब्जी के लिए, आलू बॉईल कर ले रहा है, गुस्सा मत हो। चलिए अभी कपड़ा घोट घोट रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग इशू है, थोड़ा पानी और डलेगा उसमें। देख सकते धूप काफी अच्छा निकला है आज, और इधर धूप हो रहा था बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, तो बात यहाँ ये है ब्लॉग नहीं बना रही थी। ब्लॉग बनाने के लिए अब मैं जल्दी जल्दी में रहती हूँ ना, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाती। चलिए यहाँ पे देख सकते कपड़ा थोड़ा भिगो गया, ज़्यादा सब्जी वगैरह जो है ना कट कर लेंगे। और देख सकते इधर कितना सा धूप है, और आज डे है वेडनेसडे, आज डे है फ्राइडे, आज चॉकलेट डे भी है। आ रहे हैं ना, एक मिनट ब्लास्ट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, तुमको आलू पराठा खाने का बने तो आलू पराठा भी बनेगा, सब्जी बना लेते दाल बना लेते फिर से। मेरा दाल सीटी दे रहा है, और अभी मैं जल्दी जल्दी से सब्जी वगैरह कट कर लेती हूँ। लाइट है, बंद करो ना बाबू, बना लो तीन दाल तो छोड़ दो सब्जी का, अभी चार आलू होगा उसमें मोटा और भी। अब वैसे भी आलू पराठा के लिए दिमाग खराब कर देता है, आलू पराठा बनाओ तो बनाने तो फिर से आलू बॉईल करना होगा हमको, सब्जी भी बना रहे। हाँ तो उसी को आप फिर से खोलो, नहीं खुलेगा ये हो गया दाल, फिर से एक सीटी का दाल होता है, अरे नहीं खुलेगा बाबू फिर से इसको धो के तो अच्छा दाल बनाऊंगा। तुम दिमाग खराब करते हो, तुम्हारा इतना गैस बनता है, तुम के आलू पराठा नहीं खाएंगे उसको बंद करो ना, तो साथ साथ देर से क्या है। मेरा भी मन है लेकिन चाय दूध रहता है अपने बना लेते हैं। मास्टर ज्योति सिंह का है, ज्योति सिंह का है वो, नहीं नया गर्लफ्रेंड की है, कम करो ना वायरस कॉपीराइट के बाद अगर वीडियो में। अच्छा वो करे नेपाल नहीं आए, ना गोरखपुरिया होगी कि नहीं है, नया नया कोई एक्ट्रेस आई है मोटी की है, गोरखपुरी के है। आग लगे इस वैलेंटाइन डे को, मेरे पास भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आग तो खेल रहा हूँ, खुशी कितना होगा। ये तो बोलो पैसा रिकवरी कर रहे हैं, उनके पास तो नॉलेज होगा, अच्छा से
अच्छा मेरी ग्रास का जो पक्का कर देंगे उनको बोलना नहीं, फिर मजाक उड़ाएंगे मेरा, चलिएगा पैसा थोड़ी कभी हो जाएगा, मैं भी पैसा करता है। पड़ेगा तुम्हारे वजह से, आलू पराठा खाना इसको बनेगा नहीं, सब्जी रोटी खा लेते कितना अच्छा, रात भर तुमको गैस बना पेट में फिर भी तुमको आलू पराठा खाना। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दाल हो चुका है, आलू बॉयल हो चुका है सब्जी के लिए, और सब्जी वगैरह जो मेरा कट हो चुका है देख सकते हैं, सब्जी वगैरह मैं फटाफट से कट करती हूँ, जितना बैरिक वगैरह है इसमें सारे चीज में। यहाँ पे मैं सुबह सुबह प्लान था मेरा सब्जी रोटी दाल बनाने का, बट पति देव उठ के फरमाइश करने लगे मुझे आलू का पराठा ही खाना है, तो आलू का पराठा बनाने के लिए मुझे दोबारा से आलू बॉईल करना पड़ रहा है, देख सकते हैं दिमाग खराब हो जाता है। सिंपल सा खाना बनाती दाल रोटी और आलू सब्जी तो कितना इजी रहता, अभी अभी बनाना है मुझे आलू का पराठा सब्जी और दाल। यहाँ पे देख सकते ब्रेड कितना बिखरा पड़ा है, ब्रेड भी लगाना है मुझे, तो चलिए मैं सब चीज करके फिर आपसे मिलती हूँ। यही सब काम करते करते मैं सुबह से परेशान हो जाती हूँ, ये नहीं कि नॉर्मल खाना खा ले, कोई बोलेगा दो आदमी इतना इजीली खाना बन जाता है, नहीं बाबा दो आदमी हो या पांच आदमी हो सब चीज करने में इतना ही टाइम लगता है। देख सकते हैं एक बार अभी कितना दाल बन गया था, दाल के साथ आलू बॉइल कर लेती तो दाल सब्जी रोटी बना लेती फटाफट से, लेकिन आलू बॉइल दोबारा से मुझे करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग खराब के लिए मैं बेड लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा आलू फ्राई हो चुका है, स्टफिंग मेरा रेडी है आलू पराठा के लिए, मुझे जल्दी से काम करते बहुत टाइम हो गया, 10 बज रहा है और मैं उठी हूँ लेट से, तो क्या बताऊँ काम भी तो लेट से ही होगा। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा आलू और गोभी मेरा फ्राई हो चुका है, बारी में आटा गूंदूंगी। Thank you.
मेरा सब्जी वाओ एकदम मस्त एकदम तीखा तीखा सब्जी बना रही है। स्पाइसी की मुझे स्पाइसी सब्जी बहुत पसंद है। स्पाइसी वेजिटेबल देख सकते हो लग रहा है बहुत तीखा होगा ये सब्जी। चलो कोई नहीं, मैं तीखा ही खाना चाह रही थी। अच्छा जो मैं उनके लिए आलू पराठा बनाई हूँ, मैं अपने लिए सब्जी सब्जी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं स्टफिंग रेडी है मेरे आलू पराठा के लिए। आटा भी गूंद रखी हूँ, ब्रेड भी लगा ली हूँ। मेरे को बहुत काम होता है, 10 AM हो गया, बहुत टाइम हो गया है। पता नहीं आज तो लेट पक्का ही है, नहीं तो मेरा इतना टाइम तक खाना तो मेरा फिनिश हो जाता है। खाना वाना झाड़ू पोछा हो जाता था, लेकिन आज बहुत लेट हो गया है। चलिए कोई नहीं, देख सकते मेरा सब्जी एकदम वाव है। बहुत तीखा सब्जी बनाई हूँ एकदम स्पाइसी, क्योंकि मुझे स्पाइसी सब्जी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट एकदम तीखा सब्जी। चलिए इसको ढक देते हैं, इसको भून देते हैं कोई, और अब चलेंगे हम। बहुत धूप का कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छा धूप है। कपड़ा ही धोना मेरे को, ब्रश तो हो गया है मेरा, सब्जी अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर सब्जी होने के बाद मैं आलू पराठा बनाऊंगी। चलिए साथ ही साथ मैं स्किन केयर भी कर लेती हूँ। जैसे कि पता है कि मैं स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, तो स्किन पे देख सकते कितना ज़्यादा ठंड की वजह से दाना निकल गया है। तो थोड़ा सा स्किन का भी केयर करना ज़रूरी है, तो मैं स्किन पे अभी अप्लाई करने वाली हूँ। देख सकते ये घरेलू नुस्खा हल्दी बेसन। तो चलिए हल्दी बेसन का पेस्ट अप्लाई करती हूँ स्किन पे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे वाटर के साथ, या रोज़ वाटर है तो रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल, और इसको प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे इस तरह से। दिख भी नहीं रहा धूप की वजह से। तेरी अखियों का मार मुझे तो ऑफ कर देते हैं ना। देख सकते हैं अच्छा तो लगा भी नहीं, वो धूप की वजह से दिख नहीं रहा था मुझे ना। कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करूँगी। तो हल्दी बेसन प्रॉपर स्किन पे अप्लाई करना था, मैं थोड़ा सा ही ले गई थी हाथ में तो अप्लाई नहीं हो पाया ज़्यादा। चलिए इसी तरह से मैं अपनी स्किन का केयर करती हूँ, बालों का भी केयर करती हूँ, क्योंकि ठंड का जब मौसम आता है ना तो हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, सब मतलब बाल और स्किन का तो पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम भूत सा बन जाता है, एकदम ब्लैक ब्लैक। धूप में बैठने की वजह से पूरा स्किन का कलर जो है ना बहुत डाउन हो जाता है, और स्किन पे काफ़ी ज़्यादा दाना मतलब पिंपल्स निकल जाता है। तो इनसी सब चीज़ों की वजह से स्किन का केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथ ही साथ मैं आज एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ भी चीट किया है। तो आई होप आप लोग भी ये गलती ना करो, मेरे तरह बेवकूफ़ी ना करो। एक ग्रू ट्रेड 7 करके ऐप का नाम है, जिस पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पैसा प्रॉफिट होता है, मतलब ट्रेडिंग करना। तो मैं एज अ शेयर मार्केट, तो मैं उस पर 100 रुपीज़
डेबिट की थी, उसके बाद मैं उस पे खेला स्टार्ट किया, 20 से स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में मुझे प्रॉफिट हो रहा था, 20 रुपी लगाती थी तो 14 रुपीस मुझे प्रॉफिट होता था। स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, बाद में मैं सोची कि मैं इसको विड्रॉ करती हूँ। जब विड्रॉ करने गई तो मिनिमम 300 से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ था। फिर मैं सोची कि चलो 300 कंप्लीट कर ही लेते हैं। उसके बाद जब मैं गई खेलने लगातार, तब से मैं हार ही रही हूँ, मतलब एक बार भी ये नहीं कि प्रॉफिट हो या कुछ भी, तब से लगातार मतलब ये है ना मार्केट डाउन अप डाउन अप डाउन। जब मैं कॉल लेती हूँ तो पुट हो जाता है, पुट लेती हूँ तो कॉल हो जाता है, तो मतलब ये प्रॉब्लम है और ये महाफालतू है। तो मैं यही आप लोग को रेकमेंड करूँगी कि आप इन सभी ऐप से दूर रहे, मेरी तरफ बेवकूफ ना बने प्लीज़। मैं बेवकूफ़ तो बचपन से ही विदाउट सोचे समझे आप। हाँ उसमें 10,000 रुपीज़ जो है ना आपको ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, वो आप ना ही विड्रॉ कर सकते हो या कुछ भी, बस उसको लगा कर आप सीख सकते हो। तो ये हो सकता है आप उसी का पैसा से खेल सकते हो, बट अपना ना पैसा उसमें एक रुपया भी इन्वेस्ट ना करो, सजेस्ट कर रही हूँ। सो चलिए मैं अपना काम करती हूँ, बक ना करते हुए मेरा सब्जी प्रॉपर आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा और होगा, मैं एकदम सब्जी को ड्राई होने देती हूँ। मुझे थोड़ा भी सब्जी में वो ग्रेवी नहीं पसंद है, एकदम ड्राई होना चाहिए, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि मैं जो भी है मसाला जो है ना मैं पाउडर यूज़ करती हूँ, तो उसका टेस्ट मुझे ग्रेवी में नहीं, मुझे थिक में पसंद है। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, अपना ब्लॉग बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ब्लॉग को एंड तक देखें। मैं अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप सभी से। देख सकते हैं मैं बर्तन धो ली हूँ, अब बाकी है रूम की डस्टिंग की, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाक से, कपड़ा भी धोना है, बहुत काम है। उतना ही देर में पतिदेव आ गए और मेरा कॉपी कलम आ गया, देख सकते हैं। आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, मैं बोली थी ना मैं पढ़ाई छोड़ रखी थी, बट कॉपी कलम देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट मेरी लक अच्छी नहीं कि मेरी रिजल्ट ही उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी मैं पढ़ने में हूँ। मुझे पढ़ना बहुत 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 पसंद है, सीटी तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया था, बस एक कोर्स है, बस वही कंप्लीट करना है। तो चलिए, बताया नहीं जाता है कोई भी चीज़ किया जाता है, तो बस ये कोर्स है। मैं किसी चीज़ की जॉब वगैरह की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बस कोर्स करना है। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है मुझे, तो मैं उसी के लिए ये सब नोटबुक ये सब मंगाई हूँ, बुक्स मंगाई हूँ, देख सकते हैं आप बुक देख के तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बातें ना करते हुए बहुत बकबक करती हूँ, है ना मैं। तो एवरीवन देख सकते हैं मैंने हवा के रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं टी शर्ट पहनी हूँ क्योंकि आज धूप बहुत अच्छा निकला है, तो मैं सोची आज ठंड है नहीं तो कुर्ती कैरी नहीं करती हूँ। नाश्ता वास्ता भी हो चुका है, मैं बाल भी बना ली हूँ और आज इस तरह से बाल बनाई हूँ, हेयर स्टाइल में अपना थोड़ा चेंज कर करके बनाती हूँ क्योंकि एक जैसा हेयर स्टाइल देख देख के मैं खुद बोर हो जाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में कोशिश की कि सारी चीज़ दिखाऊँ ब्लॉग में, बट ये आप झाड़ू पोछा नहीं दिखा पाई, बर्तन धोते हुए नहीं दिखा पाई, कपड़ा धोते हुए नहीं दिखा पाई, इट्स ओके, अकेले सूट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आज ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। सो बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू।